हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है वृंदा फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज आप कैसे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा फोटोशॉप और यहां हम बना लेते हैं एक न्यू फाइल कंट्रोल एन से। प्रीसेट में आपको देना है इंटरनेशनल पेपर और साइज में देना है A4 और बैकग्राउंड कंटेंट्स को रखना है वाइट। इसके बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद यहां टाइप कर लेना है प्रोजेक्ट उसके बाद प्रोजेक्ट को हमें सेंटर में रखने के लिए हम गाइडलाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइडलाइन लाने के लिए हम व्यू में जाएंगे, उसके बाद न्यू गाइड, उसके बाद यहाँ वर्टिकल में देना है आपको 10.5। 10.5 हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका जो चौड़ाई है वो है 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर के हमें बीचों बीच देना है, तो इसके लिए उसका आधा 10.5। ओके, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट को बीचों बीच जमा लेना है गाइडलाइन के सहारे से। तो हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल टी और इसको बीचों बीच ले आते हैं। इसको इसके बाद आपको टाइप करना है इन्वायरमेंटल स्टडीज। और इसके बाद हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को राउंड शेप में घुमा देना है। तो राउंड शेप में घुमाने के लिए हम जाएंगे टेक्स्ट और उसके बाद ये आर्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नन आर्क कर देंगे इसको, नन को, और इसका जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा कम कर देंगे। ओके, और उसके बाद इसका जो साइज है उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और उसके बाद हमें नीचे में टाइप कर लेना है नेम, क्लास, सब्जेक्ट और कॉलेज या स्कूल का नेम। तो चलिए टाइप कर लेते हैं।
और इसके बाद इसे भी हमें बीचों बीच जमा लेना है सेंटर में। और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ नीचे में टाइप करना है हियर कैप्स लॉक ऑन करके। और उसके बाद हम यहाँ नीचे में टाइप कर लेते हैं गाइडेड बाय और सबमिटेड बाय। और इसका साइज दे देते हैं 48 पॉइंट। और इन दोनों को बराबर रखने के लिए हम यहाँ ऊपर से एक नीचे गाइडलाइन ले आते हैं। और उसके बाद हम यहाँ बीचों बीच एक लोगो ले आते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। और उसके बाद हमें सभी को ठीक तरह से जमा लेना है। इसका फंड चेंज कर देते हैं। और इसका साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसका भी साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं लोगों का।
और उसके बाद हमें बना लेना है यहाँ एक न्यू लेयर, और न्यू लेयर में हमें मार्केट टूल में जाना है और उसके बाद यहाँ एक बॉक्स बना देना है। और इसे ठीक तरह से सेट कर लेते हैं। और यहाँ आपको राइट क्लिक करना है और स्टॉक में जाना है। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है और उसके बाद हम ये बॉर्डर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल टी से। और ये जो बॉर्डर वाला लेयर है उसे छोड़ के हम सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। और थोड़ा छोटा कर देते हैं सबको। ये इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ये तो हो गया ब्लैक एंड व्हाइट वाला। अगर आप कलरफुल प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें फंड का कलर चेंज करना होगा। तो चलिए फंड का कलर चेंज करते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट में आते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है कलर ओवरले में और इसका कलर रेड ही रहने देते हैं। और उसके बाद ड्रॉप शैडो में जाना है और इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं, स्प्रेड भी थोड़ा बढ़ाते हैं। और स्ट्रोक भी दे देते हैं वाइट में। इन्वायरमेंटल स्टडीज को भी चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम ग्रीन रख देते हैं। और नेम का कलर हम रख देते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके येलो। और ईयर को हम रेड कर देते हैं।
बेवल एंड एम्बॉस में जाना है और यहाँ टेक्सचर सेलेक्ट करना है और इसके बाद हमें ओके कर देना है और गाइडेड बाय और सबमिटेड बाय को हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हमें एक पीछे में एक बैकग्राउंड लगाना है, उसके लिए मैं डाउनलोड किया है पिक्सल्स वेबसाइट पे ये वाला जो बैकग्राउंड है, तो इसे ले आते हैं ड्रैग करके और इसका साइज छोटा कर देते हैं कंट्रोल टी से। और ये वाला जो लायर है उसे नीचे ले आते हैं। ये तो हो गया वाइट वाला बैकग्राउंड। अब हमें कलरफुल देना है तो कलरफुल देने के लिए मैंने एक डाउनलोड किया है ये वाला, और इसे हमें कर देना है ब्लर। फिल्टर में जाके ब्लर और गॉसियन ब्लर थोड़ा कम कर देते हैं, उसके बाद ओके। और उसके बाद यहाँ लाइट देना है थोड़ा सा कंट्रोल एल से। उसके बाद हम इसे ड्रैग करके प्रोजेक्ट वाला फाइल में ले जाते हैं। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये वाला लायर है इसे हम सबसे नीचे मिल जाते हैं। लेयर थ्री के ऊपर में रखते हैं और उसके बाद इसे नॉर्मल है ये वाला ऑप्शन जो नॉर्मल है इसको हम कर देते हैं लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी में आपका ये ब्लैक एंड वाइट वाला बैकग्राउंड बन जाएगा और इसे कलरफुल करना है तो हम इसे डार्कन कर देंगे। और इसका जो ओपिसिटी है उसे थोड़ा कम कर देते हैं। या हम इसे कर देते हैं ओवरले। यह मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में अच्छा दिख रहा है तो इसे हम मल्टीप्लाई में ही रहने देते हैं। और उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला स्टोक कलर है उसे हम कर लेते हैं ब्लैक। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके स्टोक को कर लेते हैं हम ब्लैक। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वृंदा फोटोग्राफी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।